नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. ओके, यानी कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट का हम जो है हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है क्रोमियम ऑक्साइड में, नाइट्रोजन गैस निकलती है और यहाँ से लिक्विड जो है गैस फॉर्म के रूप में निकलता है. तो रिएक्शन क्या होगा, अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होगा, NH4 2 CR2O7. ओके, तो NH4 2 CR2O7 दैट इज इन सॉलिड स्टेट. व्हेन इज इट हीटेड इट कन्वर्ट इनटू CR2O3 क्रोमियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O गैस के रूप में यहाँ से निकलता है. ओके, फिर नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिसोसिएट होता है या डिकम्पोज होता है तो ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो CaCO3 दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस के रूप में यहाँ से निकलती है. ठीक है, तो ये भी जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है. नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2 होता है. तो जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है लिक्विड और ऑक्सीजन में, यानी कि वाटर और ऑक्सीजन जो है फॉर्म करते हैं. तो H2O2 जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लिक्विड में प्लस ऑक्सीजन गैस में ये कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो ये थर्मल, ये भी जो है थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कंपोनेंट जो है दो अलग अलग सिंगल कंपोनेंट्स में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं. ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन. ओके, थैंक यू.